सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका gvtjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं हाई कोर्ट में निकली हुई भर्ती के बारे में। हाई कोर्ट ने हाल ही में ही एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। सभी नौकरी चाहने वालों को इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आमंत्रित किया गया है। पात्रता विवरण और आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है। इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम बैचलर्स डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है और वो भी लॉ में, और एज लिमिट आपकी 21 इयर्स से 35 इयर्स के बीच होनी जरूरी है। एज रिलैक्सेशन यहाँ एप्लीकेबल है, वो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेंगे। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फी भरनी पड़ेगी। जैसे देखा जाए तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी है 750 रुपीज और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी है 500 रुपीज। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न एग्जामिनेशन के द्वारा होगी और उसमें सब्जेक्ट टू टाइप टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगी, ये आप जान ले। पे स्केल आपको मिलेगा 9300 से 34800 पर मंथ और ग्रेड पे मिलेगा 4800। यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी पा सकते हो या क्लिक ईयर पे क्लिक कर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो या ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड ईयर पे क्लिक कर ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। पर उसके पहले हम देख लेंगे पोस्ट का नाम क्या है। पोस्ट का नाम है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी और जॉब लोकेशन है उत्तर प्रदेश। तो जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करता है उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में होगी। लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने की है 21 नवंबर 2017। सो आपके पास बहुत कम टाइम रह गया इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तभी भी आप देर ना करें, जितना जल्दी आपसे हो सके इस पोस्ट को अप्लाई करें क्योंकि सुनहरा मौका वापस नहीं आएगा। दोस्तों तो देखते हैं अब आप इस पोस्ट को अप्लाई कैसे कर सकते हो। यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद और इस पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर और लॉगिन, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा और जिससे आप लॉगिन कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी है जॉब के बारे में तो आप इस ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको लिंक दी जाएगी PDF की, उस पर क्लिक कर इस PDF पर आ सकते हो और जानकारी पा सकते हो। जिस स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 नवंबर 2017 और स्टार्टिंग डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फी बाय कैंडिडेट 7 नवंबर 2017 और लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने के 21 नवंबर 2017। तो एप्लीकेशन शुरू है, आज भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं ये जान ले। ऑनलाइन नीड नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल बाय देन ऑनलाइन और एनी अदर डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको ऑनलाइन तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई करना है और आपको किसी भी तरह की हार्ड कॉपी या ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय कुछ भी आपको हार्ड कॉपी नहीं देनी है। आपको ऑनलाइन तरीके से सब अप्लाई करना है और बहुत सीधे तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, डिटेल्स वैकेंसी जनरल कैटेगरी 20 वैकेंसी, जो जितनी वैकेंसीज की जानकारी है कैटेगरी वाइज उसकी जानकारी दी है। वुमेन्स कैंडिडेट को रिजर्वेशन कितनी है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी हुई है और नोट्स है वो आप पढ़ सकते हो। नेशनलिटी के बारे में कहा गया है इंडियन सिटीजन होना जरूरी है जो हर जॉब में आपको होता है और एज लिमिट के बारे में जानकारी दी है 21 to 35 जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट जो होगा उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, बैचलर्स डिग्री प्राप्त होना उम्मीदवार को जरूरी है, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 100 to 40 words per minute। तो ये जान ले कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश की, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की, वो 100 to 40 words से 100 words per minute होनी जरूरी है। प्रोवाइडेड फर्दर नॉलेज डेटा एंट्री वर्क प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन विल बी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी उम्मीदवार को डेटा एंट्री एंड वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर ऑपरेशन आना जरूरी है। प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ जानकारी दी है। रिटर्न एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो पार्ट वन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड इंग्लिश स्टडीज, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होंगे 20 मार्क्स के और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज 40 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में सब्जेक्ट टू टाइप है, ऑन आंसर बुकलेट, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज इन शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश, सर इसे पिटमैन्स बुक, तो ये होने वाला है। स्टेज टू में शॉर्ट हैंड होगा 150 मार्क्स का और
कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, तो टोटल देखा जाए तो 200 मार्क्स का पेपर होगा और ग्रैंड यानी टोटल मार्क्स होंगे 300 के। तो इस तरीके से भर्ती हो रही है, जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहता है जल्द से जल्द आवेदन करे। और फीस के बारे में यहाँ जानकारी दी है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी है 750 रुपीज प्लस चांस ब्लैंक ट्रांजेक्शन अलग से। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जानकारी दी है, शेड्यूल कास्ट यूपी शेड्यूल ट्राइब यूपी 500 रुपीज विद एप्लीकेशन फी यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ऐसी जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएंगे और आप आपके सुझाव हमें कमेंट में भेज सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।